भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह एक कार्यक्रम में पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों पर भावुक हो गए और वो मंच पर रोते हुए और अपने गमछे से आंसू पोंछते हुए दिखाई दिए और अब ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर बदनाम हुए तो नाम भी होगा। बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह डुमरिया डी स्थित एक निजी विद्यालय में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यहां उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए इन आरोपों को कांग्रेस और हरियाणा में कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की चाल करार देते हुए उन पर हमला भी किया। जी हां, बता दें ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर से भावुक हुए और बता दें जिस जब से पहलवानों द्वारा उन पर आरोप लगाए गए हैं वो चर्चा का विषय आए दिन बने रहते हैं और अपने बयानों से भी आए दिन उन पर बात की जाती है। अब इसी कड़ी में मंच पर फूट फूट कर रोए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके। भूपेंद्र, क्या बड़ी वजह रही मंच पर फूट फूट कर रोने लगे हैं ब्रजभूषण? से अगर देखा जाए तो पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से मंच पर फुर फुर कर रोए, वही एक निजी विद्यालय स्मार्ट और टैबलेट वितरण कार्यक्रम में वाई भाई के जो पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से मंच पर फुर फुर कर रोए, जिससे लगा कि वो काफी भावुक हुए और उनके साथ ही जो है वो एमएलसी मंजू सिंह भी मौजूद रहे। मंजू सिंह ने आरोपों को जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे उसको निराधार बताया है। वहीं अगर देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर में अपने मजाकिया अंदाज के लिए, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, काफी शायरी के लिए भी जाने जाते हैं, उन्होंने साफ तौर पर मंच पर ये बात भी कही कि जब जब मेरे साथ षड्यंत्र रचा गया है, इससे पहले जो षड्यंत्र मेरे साथ रचा गया था तो मेरी पत्नी केसरी सिंह सांसद बनी थी, इस बार मेरे साथ 2023 में जो षड्यंत्र रचा गया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाया है और बताया है कि जिस तरीके से षड्यंत्र रचा गया इस बार मेरे छोटे बेटे ब्रजभूषण सिंह सांसद बने हैं। और साफ तौर पर उन्होंने मंच पर एक बात और सबके सामने बताई, उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया है कि अब सेल्फी का जमाना आ गया है और अब इससे पहले मेरी सेल्फी नहीं ली जाती थी, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो हीरो हीरोइन से लेकर साधु संत और दिल्ली से लेकर यहाँ तक सारे लोग मेरे साथ सेल्फी लेते हैं, अब इस समय ये सेल्फी का दौर चालू है। जी भूपेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़े आरजी कर हॉस्पिटल मामले में ईडी अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की टीमें कम से कम 3 जगहों पर छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम हावड़ा, सोनारपुर और हुगली पहुंच चुकी है और हुगली में एक जगह आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी रिश्तेदारों का घर भी शामिल है। बता दें कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी मामले में सीबीआई जांच कर रही है। जांच के दायरे में आए पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सीबीआई की हिरासत में है। सीबीआई ने कोर्ट में 10 दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 8 दिन के हिरासत की मंजूरी दी। सीबीआई के बाद अब इस मामले में ईडी के भी एंट्री हो गई है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ गए। कलीम, कोलकाता कांड में अब ईडी की एंट्री होते हुए नया मोड़ देखा जाए आ रहा है, अब इस केस में क्या कहना चाहेंगे? से बात की जाए जो कोलकाता हत्या का जो मामला था, इस मामले को लेकर के सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही थी, लेकिन पूछताछ के बाद अब जिस तरीके से ईडी की इस मामले में एंट्री हुई है तो पूछताछ में कई खुलासे हुए थे, जिसमें अब कहीं ना कहीं जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जाए वो भी केस इस मामले में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आरजे मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए, जैसे वहां पर घटना हुई थी और एकाएक उनको जो है दूसरी जगह जो पोस्टिंग दी गई थी और साक्ष्य मिटाने को लेकर के इस मामले में सीबीआई की टीम जो जांच कर रही थी, उसी दौरान पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं उसके
बाद अब जिस तरीके से ईडी ने सुबह से ही इस मामले में रेड शुरू की थी, तीन ठिकानों पर यह पूरी रेड चल रही है। क्योंकि अगर तीन ठिकानों की बात की जाए तो आरजे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की बात की जाए या फिर उनके रिश्तेदार की बात की जाए, इन सभी ठिकानों पर जो छापेमारी चल रही है, लेकिन छापेमारी में अभी क्या कुछ बरामदगी की गई या फिर क्या कुछ साक्ष्य मिले हैं, इन सभी मामलों में किसी तरह का कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि ईडी की ने जिस तरीके से दखल अंदाजी दी है तो उसके बाद कहीं ना कहीं आरजे जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनकी भी कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई अब नजर आने लगी हैं। देखिए 10 दिन से प्रिंसिपल 10 दिन की हिरासत की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने 8 ही दिन की हिरासत की मंजूरी दी। कि इसी बीच उनके रिश्तेदारों के यहाँ पर भी जिस तरह से कह सकते हैं कि छानबीन की जा रही है, क्या लगता है आगे और कुछ, क्योंकि वहां से तो उनको कुछ मिला नहीं है जैसी खबर आ रही है। देखिए जिस तरीके से बात की जाए जो 8 दिनों की रिमांड पर लिया गया है तो उस रिमांड के दौरान जो पूछताछ हो रही है और उसी पूछताछ में कई अहम खुलासे भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक खुलासे क्या कुछ किए गए हैं और इसके बाद जो ईडी अभी जिस तरीके से रेड मार रही है तो उस ईडी के रेड के में क्या कुछ मिला है, इन सभी मामलों में जो आधिकारिक बयान आएगा उसके बाद कहीं ना कहीं जो पन्ने हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर की जो हत्या की गई थी तरिंदगी के बाद, उसमें क्या कुछ मोड़ है, क्या कुछ उसमें और तथ्य छिपे हुए हैं, उन सभी तथ्यों को लेकर के फिलहाल जांच चल रही है। क्योंकि अगर कोर्ट की बात की जाए, कोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले को लेकर के जो बात की जाए सरकार को घेरा था, तो उसमें भी साफ तौर से यह जिक्र किया गया था कि वहां पर जो साक्ष्य मिटाने के जो बात की जाए, साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं और लगातार जो हीला हवाली इसमें की जा रही है, तो उन सभी चीजों को लेकर के सरकार को भी फटकार लगाई थी और सीबीआई को जिस तरीके से जांच दी गई थी, तो जांच में जो अब तफ्तीशें तेज हुई है और ईडी की जो एंट्री हुई है, तो इन सभी मामलों में ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस मामले में जो भी तथ्य आ रहे हैं उनके आधारों पर जो कार्रवाई वो चल रही है, और आरजे मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए, जो प्रिंसिपल की बात की जाए, उनकी भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मोहम्मद कलीम, बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट्स के लिए।